नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गांव सांगन में, जो कि कैथल ज़िले में है। और आज हम मुख्य समस्या को लेकर कुछ लोगों के साथ खड़े हैं। मुख्य समस्या है गांव की सड़क के बारे में, जो कि कलायत से लेके मेन हाईवे खनोरी रोड तक जाती है। और ये जो लिंक रोड है, इस पर इतनी समस्या चल रही है। कई संबंधित अधिकारियों से बात भी हुई है, पर उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। यहाँ पे जो लोग आने जाने वाले हैं, उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो कैमरामैन से मैं कहूँगा कि कृपया ये सारी जो सड़क की अभी स्थिति है, बारिश हुई है, क्या हाल है, वो कैमरामैन से कहूँगा वो कृपा करके पूरा कैमरा ऑन करके और ये स्थिति को दिखाएं। अभी मेरे साथ गांव के कुछ लोग खड़े हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आने वाले लोगों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी, आपका नाम? रामदिया शर्मा जी। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव में, सांगन गांव का निवासी हूँ। सांगन गांव के आप निवासी हैं, तो ये सड़क कब से ये सड़क की समस्या कब से बनी हुई है? ये 4-5 साल से बनी हुई है। तो आपने कुछ संबंधित अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है? हर एक जगह की है, नरवाने भी की है, कैथल भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तो किन लोगों से, संबंधित अधिकारियों से आप मिले हो? नरवाना एक्शन के पास गए हैं। कब गए हैं एक्शन के पास? इच्छा गए थे सर्दियों में। सर्दियों, क्या नाम था एक्शन का? तो अभी और किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है? कैथल वाले के पास जाते हैं, नरवाना वाले पे जाओ, नरवाना वाले के पास जाते हैं, कैथल वाले के पास जाओ, नहीं घर जा रहे हैं। अभी उलझन बनी हुई है, लेकिन समस्या का समाधान कोई नहीं है। तो अभी मैं एक दूसरे ग्रामीण से बात करता हूँ, वो आपको बताएंगे कि ये समस्या कितनी कठिन है और आने जाने वालों को और गांव वालों को क्या समस्या का सामना करना पड़ता है। जी, आपका नाम? श्रीपाल है जी। श्रीपाल जी, आप बताइए, इस समस्या को लेकर, सड़क की समस्या को, कितने टाइम से यहाँ पे ये समस्या खड़ी हुई है? ये 4-5 साल से टूटी हुई सड़क, कई बार गए भी हैं गाँव वाले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपने कभी प्रयास किया है किसी संबंधित अधिकारी से बात करने का? गाँव वाले गए तो हैं जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। कहाँ पे आप गए हैं, किस दफ्तरों में आप गए हैं? नरवाना गए थे जी एक बार। नरवाना आप गए हैं? तो आपकी बात हुई है किसी ऑफिसर से? ये भाई साहब जो कह रहे थे, इनकी बात हुई थी वहाँ में शासन साहब। तो ये कितनी समस्या है? समस्या आने जाने वालों की दिक्कत हो रही है, गाड़ियों की कई आज से हो चुके हैं, आज से भी कई हो चुकी है, यहाँ टूटी पड़ी है सारी सड़क, पानी भी ज़्यादा यहाँ पर है। अंदाज़ा कितनी गहराई के गड्ढे इस सड़क में है? यहाँ तो 1-2 फुट तक का गड्ढा भी है, यहाँ 1-2 फुट का भी है। तो जहाँ 2-व्हीलर और 4-व्हीलर वाले हैं, उनको क्या किस समस्या का ज़्यादा सामना करना पड़ता है? यहाँ पानी खड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, इसी समस्या पानी में से गाड़ियों की दिक्कत है और दिक्कत आती है उनको, सभी को आती है। अभी हमारे सामने गाड़ी आ रही है, तो मैं गाड़ी वाले से बात करने की कोशिश करूँगा कि उनको क्या समस्या का दिक्कत आई है। जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? कैथल से आ रहे हैं। तो कैथल तक जो सड़क है वो कैसी बनी हुई है? बहुत से कट्टे हैं रास्ते में, कुछ तो ठीक है, लेकिन यहाँ से आपसे ज़्यादा तो बहुत ही बुरा हाल है, लिखना बहुत कुछ है। तो आपने जाना कहाँ है? लिखनौली जाना है, पंजाब में जाना है। हाँ जी सर। तो अभी आप देख रहे हैं जो सड़क टूटी हुई है गांव सांगन में, तो आप अभी निकल के आ रहे हैं, तो आपको कैसा, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? तो बहुत सारी दिक्कतें, जैसे कि गाड़ी जो है तेज़ चलानी पड़ती है, और इससे ज़्यादा कट्टे के एक्सीडेंट तो बहुत ज़्यादा खतरा रहते हैं जी, ऐसे जैसे मियाँ आ गए जी, इसमें पानी वगैरह बहुत हो जाते हैं। तो न्यूज़ के माध्यम, आज़ाद न्यूज़ के माध्यम से आप सरकार को, प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे कि समस्या का समाधान कैसे निकले? रास्ते को सही बनाना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे सड़क की समस्या के बारे में, लोगों से जानने की भी कोशिश की है। कैमरामैन रिंकू शर्मा के साथ डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल रिपोर्टर राजेंद्र कौशल, आज़ाद न्यूज़, कैथल, हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।